बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट आने के बाद से सीएम नीतीश कुमार ने आज 9 दलों की बड़ी बैठक बुलाई है। शाम 3:30 बजे पटना में सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक होगी। इस बैठक में जाति आधारित रिपोर्ट सभी दलों के सामने रखी जाएगी और इस दौरान आर्थिक सर्वेक्षण पर चर्चा होगी। सबसे बड़ी बात इसमें यह कि रिपोर्ट जारी होने के बाद ही लालू यादव ने सरकार से आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी तय करने की बात कही है, जिसके बाद नीतीश कुमार ने एक बड़ी बैठक बुला ली है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा सियासी दांव चला और जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए। लोकसभा चुनाव के दंगल में इसका कितना असर होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की आबादी करीब 63% है। सब कुछ का जो कराया गया तो ये पूरा का पूरा करके जो भी रिजल्ट आया है, आप उसके बाद सबकी आर्थिक स्थिति एक एक परिवार का भी ले लिया गया तो करके भी सब कुछ उसको भी कर रहा, सबको जानकारी भी दे देगा और कुल मिला करके कल प्रेजेंट करवा देंगे एक एक जगह। बिहार में कोर्ट कचहरी के बाद जातीय गणना रिपोर्ट जारी हुई है तो राहुल गांधी जातीय गणना की पूरे देश में वकालत कर रहे हैं। राहुल गांधी की दलील है कि जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है। बिहार में ओबीसी प्लस एससी प्लस एसटी 84% हैं। केंद्र में 90 सचिवों में से सिर्फ 3% हैं। 3 ओबीसी भारत का मात्र 5% बजट संभालते हैं। वही राहुल गांधी के बयान पर जब सीएम नीतीश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा वो शुरू से ही इसके पक्ष में रहे हैं, यानी जिसकी जितनी आबादी उसे उतना हक। कल के बारे में के बाद धीरे धीरे आपको पता चलेगा। करना ना चाहिए, हम तो कहाँ से डिमांड कर रहे हैं, हम लोग डिमांड कर रहे हैं। बिहार में जाति रिपोर्ट जारी हो चुकी है, अब एक्शन की बारी है। सीएम नीतीश कुमार ने दावा किया कि आपको हर चीज का पता चल जाएगा। वहीं लालू यादव ने भी मांग रखी है कि सरकार तय करे जिसकी जितनी संख्या उतनी हिस्सेदारी। इतना ही नहीं, लालू यादव ने यह भी ऐलान किया कि 2024 में सरकार बनेगी तो पूरे देश में जातीय जनगणना होगी। वहीं लालू यादव के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी पूरे देश में जाति आधारित गणना की मांग की है। आप सब लोग जानते हैं कि आज जारी किया गया है जो साइंटिफिक आंकड़ा कास्ट बेस सर्वे का। हम लोगों ने कम समय में सरकार बनने के बाद ही कम समय में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा भी की है और आज ऐतिहासिक दिन पर जो है ऐतिहासिक काम जो है हम लोगों ने किया है, जारी भी किया है। जबकि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह का दावा है कि जातीय गणना रिपोर्ट आंख में धूल झोंकने वाली है। वहीं राहुल गांधी को गिरिराज सिंह ने सीजनल हिंदू बताया है और ये 2,83,00,000 परिवार जो बताया जा रहा है, तो ये 2,83,00,000 परिवार का आकार क्या इन्होंने मान रखा है, 8-10 रखा है, क्या रखा है, ये हमें कुछ समझ में नहीं आता है। दूसरी बात, ये केवल आंख में धूल झोंकने के लिए इनको तो 33 साल का रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए, 15 साल लालू जी, 18 साल नीतीश जी। दूसरी ओर जेडीयू नेता अब नीतीश कुमार को महान नेता साबित करने में जुट गए हैं। कर्पूरी ठाकुर और वीपी सिंह जैसे दिग्गज नेताओं की कतार में नीतीश के नाम को रखा जा रहा है, जबकि बीजेपी पूछ रही है नीतीश पहले ये बताएं कि बिहार का कितना कल्याण हुआ है। ये कोई एक पार्टी की मांग नहीं थी। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे नेता नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत की,
उन्होंने जोखिम उठाया, उनको इसके लिए प्रताड़ित भी किया गया और आज का दिन इतिहास में कर्पूरी ठाकुर वीपी सिंह के बाद नीतीश कुमार को सैल्यूट करने का दिन है, जिन्होंने 63% जो बिहार की जनता है उसको न्याय दिलाने का काम किया है और ये लड़ाई बिहार तक नहीं होगी। जातीय जनगणना का पूरा रिपोर्ट आएगा, अध्ययन के बाद मैं बताऊंगा। बहुत कुछ नयापन तो नहीं है, जो अनुमान था वही अनुमान है। ये जो एक लगा रहे थे कि बड़ी चमत्कार, बड़ा बदलाव, अरे सबको जानकारी है जो आप बता रहे हैं, वो लगभग डाटा आंकड़ा तो सबको पता है। हाँ, कुछ जब आएगा अति पिछड़ा का या पिछड़ा का डिटेल एरिया वाइज, तब पता चलेगा कि गणना का सच्चाई क्या है। जब नीतीश सरकार जाति गणना की रिपोर्ट के आधार पर किसी नई योजना की ब्लूप्रिंट सामने रखेगी, तब सच मायने में इस रिपोर्ट की हकीकत का पता चलेगा। देखना होगा इस रिपोर्ट के आधार पर योजना वाली फिल्म कब रिलीज होगी, या फिर ये सिर्फ वोट बैंक वाली सियासत रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।